Hello students, hopefully you are fine. So today we are going to discuss the introduction of exercise 3.2, that is trigonometric functions. Trigonometric functions, जो introduction है 3.2 की, वो बहुत important exercise है. आप ध्यान से इसको देखो वीडियो को. सबसे पहले मैं एक एक concept करके आपको बताऊंगा. सबसे पहले है ना, सबसे पहला इसमें trigonometric function में क्या पढ़ा हम पढ़ना है हमने. आपने ये पढ़ा था कि sin x जैसे इक्वल टू जीरो होता है ना. सबसे पहले तो हमें ये पता है कि साइन एक्स जीरो कब होगा. आपने यहाँ पे पढ़ा था, मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर एक्स इज इक्वल टू जीरो एंगल होगा, बिकॉज यू हैव रेड दिस साइन जीरो इज इक्वल टू क्या है, जीरो, है ना. फिर मैंने आपको पूछा कि क्या कॉस एक्स इक्वल टू अगर क्या है जीरो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे सर एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो मैं अगर आपसे पूछूं, अब आपने हमने ये पढ़ना है कि 0 टू 90 तक तो हमने वैल्यूज पढ़ ली, क्या क्या वैल्यूज होती हैं. इसके बाद क्या है, क्या साइन में एक्स की सिर्फ 0 पे ही ये वैल्यू आएगी 0, क्या किसी और एंगल पे, क्या साइन में किसी एक्स की सिर्फ 0 वैल्यू पे ही 0 आती है, क्या कॉस एक्स इक्वल टू जीरो क्या एक्स इक्वल टू 90 पे ही जीरो आएगी, क्या उसके बाद कभी ये जीरो नहीं आएगी कॉस में या साइन में, तो ये हम आज डिस्कस करेंगे. तो ये पहले, सबसे पहले मैं ये बता दूं, साइन एक्स और कॉस एक्स इसमें क्या होगा, वैल्यूज रिपीट होती हैं आफ्टर 2π, आफ्टर द इंटरवल ऑफ 2π, 2π का मतलब 2π रेडियन एंगल के बाद क्या होती है, वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती हैं. तो ये मैं बात आपको बताऊंगा, अभी आप ध्यान से देखो, है ना. तो ये देखिए, सबसे पहले लेट अस सपोज हमारे पास एक यूनिट सर्कल ले लिया मैंने. मैंने क्या ले लिया, एक यूनिट सर्कल ले लिया. सपोज यहाँ पे मैंने क्या लिया, एक यूनिट सर्कल ले लिया, है ना. यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस क्या था 1. आप कुछ और भी ले सकते हो, रेडियस आर भी लग सकते हो, लेकिन यूनिट सर्कल से थोड़ा आसान हो जाएगा समझना. अब देखो, सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को, यहाँ पे मैंने लिख दिया पॉइंट ए, सपोज हेयर आई हैव रिटन पॉइंट बी, हेयर आई हैव रिटन पॉइंट सी, एंड हेयर आई हैव रिटन पॉइंट डी, और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस, ठीक है. ठीक है, अब देखो ध्यान से, लेट अस सपोज इसके इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं आपको पूछता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो आप क्या कहोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स यूनिट सर्कल है ना, ये इसका क्या होगा सेंटर मान लिया, तो ये कितना होगा रेडियस 1 होगा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,0 होगा इसके इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स. उसके बाद बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जी, 0 एंड 1. फिर मैं आपको पूछूं सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये एक्स इधर 1 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -1,0 होंगे, है ना. एक्स इधर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है. अब नाउ इस पॉइंट पे डी पे, डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 पहले एक्स का, एक्स क्या आएगा 0 और -1, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है. अब देखो, अब ध्यान से देखना, लेट अस सपोज मैंने इस सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पी पॉइंट क्या ले लिया जी, पी, सपोज पी पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है. अब देखो, मैंने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया ओ पी. अब इस ए कोऑर्डिनेट्स, इसके इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, लेट अस सपोज पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या मान लिए, ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, ए एंड बी, ठीक है. अब अगर हम यहां से ड्रॉप आउट करते हैं एक परपेंडिकुलर, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया पी एल सपोज, ठीक है. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ओ एल, ओ टू एल, तो ये कितना होगा, जैसे कोई इसका क्या देगा, एक एक्स कोऑर्डिनेट, ये क्या होगा ए, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए, ये यहां से कितनी दूर है ए. अब पी एल कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बी, ठीक है. अब ये क्या था, लेट अस सपोज यहां से लेके यहां तक इसकी इस आर्क की लेंथ मैंने क्या ले ली एक्स, सपोज यहां से लेके यहां तक इस आर्क की लेंथ मैंने क्या ले ली एक्स, सपोज थीटा भी ले सकते हो, एक्स ले ली मान लो मैंने, तो अब ये यूनिट था, ये इसका क्या है आर्क, सॉरी ये इसका क्या है रेडियस है, यहां से ये भी रेडियस होगा ना, तो ये आर्क होगी पी टू ए, ये आर्क होगी, तो ये यहां पे कितने डिग्री एंगल बनाएगी, एक्स रेडियन बनाएगी, ये क्या होगा एक्स, क्योंकि यार मैंने ये आपको रेडियन में पढ़ाया हुआ है, रेडियन में अगर ये लेंथ एक्स है और ये यूनिट सर्कल है ना, ये वन है, ये भी क्या है वन, यहां से लेके यहां तक ये रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, ये
तो ये एंगल कितना बनाएगी, जितना इसकी लेंथ होगी पी टू ए की, मैंने लेंथ क्या मान ली एक्स, तो ये यहाँ पे कितना एंगल बनाएगी, एक्स रेडियन बनाएगी, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो, अब मैं अगर बात करूं ओपीएल ट्रायंगल की, किसकी, ओपी एंगल ट्रायंगल की, ट्रायंगल ओपीएल, सपोज ओपीएल, इसमें मैंने बात की यहाँ पे एक्स की, इफ आई विल टेल यू डैट की साइन एक्स की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, साइन एक्स की, तो मैंने यहां पे क्या ले लिया जी, साइन एक्स, साइन एक्स, तो ये क्या होगा, देखो साइन ही होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर, किसकी रेशियो होती है ये, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की, परपेंडिकुलर कितना है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज व्हाट बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, कितना है हाइपोटेन्यूज, मैंने क्या लिखा वन, तो वन हो गया, तो मतलब क्या आया, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया जी, बी, तो यहां से बी क्या था, बी इसका कोऑर्डिनेट था, ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू थी, तो ये क्या था बी। अब अगर मैं आपको कहूं यहां पे कॉस एक्स की वैल्यू निकालो, तो आप क्या करोगे, कॉस एक्स इज इक्वल टू किसकी रेशो होती है ये, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, तो बेस कितना है यहां पे ए, बेस कितना है ये ए, तो ए अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है वन, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू ए, ये इसका क्या होगा, व्हाट विल बी दिस ए कोऑर्डिनेट आ गया, तो इसका मतलब ये जो ए एंड बी आए हैं, अगर मैं ये पी पॉइंट कहीं पे भी ले लूं इस सर्कल के ऊपर, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या रहेंगे, ये देखो इधर ये कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, कॉस एक्स, यहां पे पहले ए था ना, कॉस एक्स, साइन एक्स, ये कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे इस पॉइंट पी के, अगर ये पी पॉइंट कहीं पे भी मूव करता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कॉस एक्स एंड साइन एक्स, ये बात ध्यान में रखना। अब अगर एक्स क्या है, ये जो एंगल बना रही है, यहां पे आप थीटा भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम, अगर मैं इसकी लेंथ यहां से लेके यहां तक थीटा ले लेता, तो ये कितना एंगल बनाती, थीटा बना देती। अब मैंने यहां पे एक्स लिखा है, तो आप एक्स ले लो, ठीक है, सबसे पहली बात। तो अब मैंने आपको ये बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, ये बात आपको समझ आ गई। अब यहां पे यूनिट सर्कल में अगर आप कहीं पे भी ये पी पॉइंट कहीं पे भी ले लेते हो, कहीं पे भी पी पॉइंट ले लेते हो, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, कॉस एक्स साइन एक्स, ठीक है। अब इसका दूसरा रीजन, अब देखो, अगर ये पी पॉइंट, अगर पी पॉइंट में यहां पे ले लू ए के ऊपर, ये पी पॉइंट में दोबारा आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं, देखो ये था, ये यहां पर पी पॉइंट था, Here it was what point P, और यहां पे A था, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, जितना ये यहां पे एंगल बनाएगा, मान लो x एंगल बना रहा है, तो ये क्या था, cos x, कॉमा साइन x, साइन x। अगर ये P पॉइंट यहां, और अब ये देखो ध्यान से, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 0 है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 0 है। अब अगर ये पॉइंट P यहां पे शिफ्ट कर देगा, P पॉइंट मूव करके यहां पे आ गया इसके ऊपर ही, तो ये देखो ये P के कोऑर्डिनेट्स तो यही रहेंगे, cos x sin x, मैंने कहा कहीं पे भी मूव कर दे ना। फिर देखो अब यहां पे ये x की वैल्यू, जब x यहां पे, ये पॉइंट P यहां पे शिफ्ट कर गया, तो ये एंगल x क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जब ये P पॉइंट यहां पे आ जाएगा A के ऊपर, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, cos 0 साइन जीरो, कॉस जीरो एंड साइन जीरो, है ना। अब कॉस साइन जीरो में पता है क्या होता है, जीरो, तो तभी तो ये जीरो एंगल आ रहा है, जीरो आ रहा है इसका कोऑर्डिनेट, और कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले तो अगर सर्कल के ऊपर यूनिट सर्कल, यूनिट हो चाहे कोई भी हो, है ना, तो ये यहां पे जो P के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, cos x एंड sin x, मतलब जो यहां पे x का मतलब जो यहां पे एंगल बनाएगा, यहां ये वाली लाइन, ये मूविंग लाइन जो है, जो इसके साथ क्या बना रही है, एंगल बना रही है। पहली बात तो ये थी, है ना। अब देखो, अब बात करनी है हमने, देखो इधर ये वाली बात आपको क्लियर होगी, होगी है ना ये वाली। अब देखो, अब मैं बात बता रहा हूं, जब देखो यहां पे cos 0 इस पॉइंट के ऊपर x क्या होगा, ये देखो cos 0 है ना, cos 0 यहां पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अब sin 0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, जब ये एंगल क्या ले रहे थे, अब x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0। अब उसके बाद जब ये एंगल P पॉइंट में यहां पे ले लूं, P पॉइंट यहां पे आ जाएगा, व्हेन P पॉइंट विल बिकम हियर, ये P पॉइंट यहां पे आ गया, मतलब ये x यहां तक आ गया, एंगल x यहां तक आ गया, ये एंगल क्या आ गया, यहां तक आ गया,
तो ये वाला यहाँ पे हो जाएगा ये पॉइंट P, मान लो P पॉइंट यहाँ पे आ गया सपोज। तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या है, जीरो एंड वन, तो इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू, ये जो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं क्या लिखे थे, cos x कॉमा sin x, तो अब यहाँ पे क्या हो गया cos 0 इज इक्वल टू क्या था 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, cos पाई बाय 2, पाई बाय 2 cos पाई बाय 2, मतलब यहाँ पे x कितना हो गया पाई बाय 2, मतलब 90 डिग्री। यार मैं रेडियन की बात, ये x हम किस में ले रहे हैं, रेडियन में, है ना, मैंने शुरू में बताया था ये एंगल क्या ले रहे हैं, हम रेडियन में ले रहे हैं। तो ये रेडियन में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, पाई बाय 2, तो यहाँ पे पाई बाय 2 हो गया। पाई बाय 2 पे इसका ये कोऑर्डिनेट्स क्या रहे हैं, जीरो, तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, और यहाँ पे साइन पाई बाय 2 ये कितना हो गया, 1 हो गया, दिस इज व्हाट 1, देखो ठीक है ये वाला। अब फिर पाई और बढ़ गया, मान लो पी पॉइंट यहाँ पे आ गया, सपोज पी पॉइंट यहाँ पे एक्स ये आ गया, अब यहाँ पे ये कितना हो गया 180 डिग्री एंगल, 180 को हम क्या लिखते हैं, पाई लिखते हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे कॉस पाई, कॉस पाई है ना, कॉस पाई, इस पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये देखो ये माइनस वन और साइन पाई, यहाँ पे थोड़ा मैं रब कर दूं, यहाँ पे ये था मान लो ये पॉइंट थे माइनस वन एंड जीरो, साइन पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो मैं दोनों की वैल्यू लिख रहा हूं, साइन पाई क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था, साइन पाई इज व्हाट जीरो है ना। अब देखो उसके बाद फिर ये पाई एक्स एंगल, ये वाला एक्स वाला एंगल जब यहां पे आ जाएगा ना, यहां पे ये कितने डिग्री एंगल बनेगा, ये देखो 90 था, 90 180 180 प्लस 90 270 डिग्री, और 270 हम क्या लिख देते हैं, 3 पाई बाय 2 लिखते हैं हम इसको किसमें, रेडियन में है ना, रेडियन में चेंज करके देख लेना यार, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करके जो भी करते हो अपना, 3 पाई बाय 2 लिख देते हैं, ये 180 है यार, 180 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 90 आ जाएगा, 93 जा 270 है ना। तो अब ये देखो यहाँ पे फिर कॉस 3 पाई बाय 2 डेट इज इक्वल टू 1, ये क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो, देखो ध्यान से देखो ये 3 पाई बाय 2 पे क्या आ रहा है, जीरो। अरे यार देखो ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेने हमने, cos x sin x, x एंगल क्या हो गया, अब x एंगल क्या हो गया 3 पाई बाय 2, तो इसका मतलब 3 पाई बाय 2 पे भी ये क्या आ रही है, जीरो है ना, और sin 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस वन आ जाएगा है ना, यही आएगा ना, sin 3 पाई बाय 2 पे क्या आ जाएगा, माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल ये एंगल दोबारा जब कंप्लीट राउंड हो गया यहां तक, तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ये एंगल क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, तो यहां पे आके ये एंगल क्या हो गया, 2 पाई। अब देखो अब यहां पे cos 2 पाई, तो ये क्या हो गया, cos 2 पाई इज इक्वल टू, cos 2 पाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है, यहां पे 1 आ रहा है, फिर दोबारा से क्या आ गया, 1 आ गया है ना। अब उसके बाद sin 2 पाई, साइन का क्या आ रहा है, जीरो, जीरो आ गया। अब देखो ध्यान से, उसके बाद फिर दोबारा इसी पे वैल्यूज रिपीट होंगी, दोबारा फिर वैल्यूज क्या होंगी बेटा, रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, इसीलिए कहते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स है उसका पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है, ठीक है, मतलब 2 पाई के बाद सारी वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी। अब बात आती है, सबसे पहले मैंने जो आपको बताना था वो ये था कि जब साइन एक्स इक्वल टू क्या हो, जीरो हो, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अब ध्यान से देखो, आप देखो जीरो कहां पे आ रहा था, साइन में जीरो एंगल पे आ रहा था, जीरो, उसके बाद पाई पे आ रहा था, जीरो, उसके बाद 2 पाई पे आ रहा था, इसके बाद फिर कहां पे आ जाएगा, देखो इधर ध्यान से, पहले मैं यहां से जीरो से शुरू हुआ, साइन जीरो पे जीरो आ रहा था, फिर ये जीरो कहां पे आ रहा था, यहां पे है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 1, 0 थे, तो यहां पे क्या आ रहा, यहां पे जीरो पे आ रहा था, फिर पाई पे जीरो आ रहा है, यहाँ पे पूरा एंगल क्या हो गया, पाई, उसके बाद कहां पे आ गया था, 2 पाई पे, फिर जीरो आ गया, 2 पाई के बाद फिर ये 3 पाई हो जाएगा, देखो एंगल घूम रहा है, ये पहले जीरो पे है ना, जीरो पे क्या आ रहा था, जीरो, फिर ये कहां पे आ रहा था, जीरो पाई पे, ये जीरो, उसके बाद फिर यहां से घूमो तो यहां पे फिर जीरो, 1, देखो जीरो पे, फिर पाई पे, फिर 2 पाई पे, फिर कहां पे आ जाएगा, 3 पाई पे जीरो आ जाएगा, फिर 4 पाई पे जीरो आ जाएगा, फिर 5 पाई पे जीरो आ जाएगा, फिर 6 पाई पे जीरो आ जाएगा, ऐसे। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो भी आ रही थी,
एक्स की वैल्यू क्या आ गई, जीरो भी आ गई, एक्स की वैल्यू पाई भी आ गई, एक्स की वैल्यू टू पाई भी आ सकती है, एक्स की वैल्यू थ्री पाई भी आ सकती है, ऐसे ही सेम। ये तो एंगल था पॉजिटिव, अब अगर एंगल क्या हो जाता नेगेटिव, ये पॉइंट तो यार तब भी यही रहेंगे ना, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 0 ही रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 1 ही रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 0 -1 ही रहेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 0 ही रहेंगे। तो अब क्या करोगे आप, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा देता इसको, इस एंगल को इधर लेने की बजाय मैं यहां पे पी पॉइंट ले लेता, तो एंगल यहां पे आ जाता ऐसे ऐसे, तो फिर वही आज चलेगा एंगल ऐसे चलेगा इस पे, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 -π भी आ सकती है। जब देखो एंगल और इधर इधर वाली साइड मेजर करोगे, देखो पहले 0 पे 0 होगा, फिर यहां पे -π हो जाएगा ना, एंगल यहां पे ऐसे ऐसे घूमेगा तो -π आ जाएगा, -π पे भी 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -π भी आ जाएगी, x की वैल्यू -2π भी आ जाएगी, x की वैल्यू -3π भी आ जाएगी। तो इसका मतलब हमने कंक्लूजन ये निकाला, साइन एक्स जब इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, n पाई का मतलब, n का मतलब n belongs to integer, integer का मतलब कि n क्या हो सकता है, n belongs to integer का मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी -1 -2, कुछ भी, इट belongs to integer। तो ये था sin x, अब ये एक सॉल्यूशन भी है, ये आगे आके हमने यूज भी करना है 3.4 एक्सरसाइज में, उसके इंट्रोडक्शन में भी हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले ये था कि sin x इक्वल टू क्या होगा, 0, x इज इक्वल टू क्या होगा, n π। तो ऐसे ही हमने ये देखना था कि अब cos x इक्वल टू 0 कैसे होगा, cos x इक्वल टू 0 कौन कौन सी वैल्यूज पे होगा। अब देखो cos x ये था, ये किस पे होगा, सबसे पहले π/2 पे 0 हो रहा है, उसके बाद 3π/2 पे 0 हो रहा है, उसके बाद देखो ध्यान से देखो, cos ये है ना 0, ये 0 कहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, तो यहां पे x कितना था, देखो इधर x कितना था, π/2, यहां पे क्या था, π/2, उसके बाद यहां पे 0 आ रहा है, तो ये देखो इधर π/2 1π/2 पे है ना, 1, यहां पे 2π/2 हो गया, फिर यहां पे आके क्या 3π/2, 3π/2 का मतलब यार 390 डिग्री। देखो इधर ध्यान से, यहां पे 0 आ रहा था ना cos, पहला पॉइंट जो है P का, जो पॉइंट होते हैं P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, ये जो P पॉइंट मूविंग है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा हमने क्या लेने हैं, cos x sin x, x का मतलब ये थीटा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, x का मतलब ये जो P जो एंगल बनाएगा किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ बनाएगा, वो एंगल x, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया था। अब यहां पे 0 आ रहा है, यहां पे 0 आ रहा है, देखो सबसे पहले यहां पे आएगा ये π/2 पे 1π/2 पे, ये आ गया π/2 आ गया, π/2 पे क्या आ गया, 0 आ गया, उसके बाद फिर ये एक और π/2 हो गया, जुड़ गया, 2π/2 पे भी 0 नहीं है, देखो यहां पे क्या है, 1, उसके बाद फिर एक और π/2 आ गया, यहां पे 3π/2 हो गया, तो 3π/2 पे भी क्या रहा है, 0, उसके बाद फिर देखो 3π/2 पे बाद कहां पे 0 आएगा, देखो ये 3π/2 हो गया, अब यहां पे π/2 एक और ऐड हो गया, तो 4π/2 हो गया, यहां पे भी ये क्या आया, 1 आ गया, फिर एक और π/2 आ गया 5π/2, तो 5π/2 पे भी ये क्या होगा, cos 5π/2 पे भी क्या होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद कहां पे आएगा, देखो π/2 पे एक यहां पे 6 हो जाएगा, फिर ये 7π/2 पे आएगा, तो 7π/2 पे भी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या, ऐसे ही चलता रहेगा, तो इसका मतलब जो cos x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, cos x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x की कौन क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, ये क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, देखो π/2 पे, फिर 3π/2 पे, फिर 5π/2 पे, फिर 7π/2 पे, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, वी कैन रिप्रेजेंट दिस 2n+1π/2, π/2 का ऑड मल्टीपल। अब n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, फिर n की वैल्यू 1 डाल दोगे तो 2+1 3π/2 हो जाएगा, अगर फिर 4 डाल दो 3 डाल दोगे तो 7π/2 हो जाएगा, ऐसे ही बिल्कुल सेम। हम अगर रिवर्स में लेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये तो क्या था एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज लोगे एंगल ऐसे लोगे ना, ऐसे नेगेटिव में एंगल लोगे तब भी ये ऐसे ही रहेगा,
तो जब नेगेटिव में भी ले लोगे तो भी इसी वैल्यूज पे रहेगा, मतलब माइनस पाई बाय टू पे, एन की वैल्यू क्या ले लो, माइनस पाई बाय टू पे भी ये जीरो रहेगा। उसके बाद माइनस थ्री पाई बाय टू पे भी लोगे, ऐसे ही माइनस फाइव पाई बाय टू पे भी लोगे, ऐसे ही। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे टू एन प्लस वन पाई बाय टू पे ये क्या होगा, कॉस एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या सीखने को मिला, ध्यान से सुनो कि कॉस एक्स इक्वल टू जीरो कौन कौन सी वैल्यूज पे, एक्स कॉस में एक्स की क्या क्या एंगल होगा कि यहां पे हमें ये क्या देगा, जीरो देगा। तो इन सब वैल्यूज पे एन एन बिलोंग्स टू क्या होगा, यहां पे भी इंटीजर, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये बात आपको समझ आ जानी थी इस वीडियो में, इस वीडियो का मकसद मेरा यही था। अब ये बात आपको समझ आ गई कि मैं दोबारा लिखता हूं यहां पर फॉर्मूला कि साइन एक्स, इफ साइन एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स इज इक्वल टू एन पाई हो सकता है, एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर कॉस एक्स इक्वल टू क्या है, जीरो, तो यहां पे एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टू एन प्लस वन पाई बाय टू। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था यहां पे, और एन बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर। मतलब यहां पे समझो, मैं ये कह रहा था अभी तक हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो आप बोलते थे कि ये सिर्फ एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो डिग्री होगी। लेकिन अब कुछ, अब क्या होगा, अब अगर यहाँ पे एन की वैल्यू पाई तो पाई पे भी साइन पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। साइन टू पाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर एन की वैल्यू थ्री डाल दोगे तब भी थ्री पाई पे भी साइन थ्री पाई भी क्या होगा, जीरो 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 होगा। फोर पाई पे भी जीरो, फाइव पाई पे भी जीरो होगा। ऐसे ही ऐसे ही अब यहाँ पे अगर मैं एक्स की वैल्यू क्या डाल दू, कॉस एक्स, कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या डाल दूं, जीरो कह दूं, तो एक्स की वैल्यू आप बोलते थे सर पाई बाय टू पे ही इसकी वैल्यू हो सकती है। लेकिन अब हमने ये सीख लिया, अगर यहां पे वन डाल दोगे थ्री पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू कॉस, कॉस थ्री पाई बाय टू पे भी जीरो होगा, कॉस फाइव पाई बाय टू पे भी जीरो होगा। अगर मैं टू पुट कर दूंगा, टू टू जार फोर प्लस वन फाइव पाई बाय टू, तो ऐसी जितनी भी वैल्यूज आती रहेंगी उन सब पे वो क्या होगा, जीरो होगा। तो ये था मेरा पहला वीडियो इसका, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इसके बाद अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको साइंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।